हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है माँ बेटी किचन में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं दुड़का की एकदम नई रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सबसे पहले हम इसके आगे पीछे काट कर इसे छील लेंगे। ऐसे ही सभी दुड़का को छील लें। इस सब्जी को चना दाल के साथ बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम थोड़ा सा चना डाल लेंगे और उसे पानी में भिगाकर एक घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने जो सभी दुड़का को छीला था उसे छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। देखिए, हमने सभी दुड़का को काट लिया है। अब हम चलते हैं इसे धोने के प्रोसेस में। धोकर इसे पानी से अलग कर लेते हैं। अब एक प्याज को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे तड़का लगाने के लिए, और लहसुन की 6-7 कलियां ले लेंगे। अब लहसुन को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे और मिर्ची को भी 2-3 भागों में तोड़ लेंगे। गैस चालू करेंगे और उसमें कढ़ाई को गर्म होने देंगे और उसमें चना दाल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसे पका लेंगे और उसी में दुड़का को भी साथ में पक जाने पर डाल दें। इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी भी डाल दें। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए पका लें। अब ढक्कन हटाकर देखते हैं कि दुड़का कितना पक चुका है। अब तड़का लगाने के लिए दुड़का को कढ़ाई से प्लेट में निकाल लें। अब कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म होने देते हैं और इसमें लहसुन और मिर्ची को डाल देते हैं, साथ ही थोड़ी देर बाद प्याज को भी डाल देते हैं। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लें। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें दुड़का को डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारी दुड़का की सब्जी बनकर तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।